कुंभ राशि मार्च महीने का आखिरी दिन, जाते जाते तीन गुड न्यूज देकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों 31 मार्च के दिन आपको तीन बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। वो खुशखबरियां किस तरह से रहेगी, साथ ही इन दिन यानी कि इस दिन आपका सामान्य राशिफल कैसा रहेगा, कौन से बातों का ध्यान रखना है, आपका धन राशिफल, लव राशिफल, करियर राशिफल और आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, सभी बातें विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों ज्योतिष के जानकारों के अनुसार लगातार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह से आकाश मंडल में कई शुभ योग और अशुभ योग का निर्माण होता है, जिसका सभी 12 राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। यदि ग्रह नक्षत्रों की दशा राशि में ठीक है तो इसकी वजह से जीवन में अच्छे नतीजे मिलते हैं, परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सी विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई परेशानी आपको बार बार सता रही है, उसका अगर हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली कॉल करेगा अथवा व्हाट्सएप मैसेज करेगा, हमारी तरफ से रिप्लाई छट से मिल जाएगा। तो चलिए बिना गवाए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों कामकाज में लगातार सफलता हासिल होगी, इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति हासिल होगी, बिजनेस में भारी मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। गणेश बप्पा के आशीर्वाद से विद्यार्थियों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा जिससे आत्मबल मजबूत बनेगा, आपको कोई बड़ी सफलता धैर्य और साहस के जरिए मिल सकती है, आप दूसरों को देखकर किसी काम के लिए प्रेरित हो सकते हैं, आप अपने सपनों को साकार करने के लिए कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं, आज आपको किसी सीमा और दायरे में बंद कर काम करना पसंद नहीं आएगा, जरूरी कार्यों को करने के दौरान आज कुछ नए अनुभव आपको मिल सकते हैं, प्रेम के कई मौके आपको मिलेंगे और आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह के संबंधों में इससे सुधार आएगा, अपनी बातों और विचारों के द्वारा आप ऐसे लोगों को मना सकते हैं जो अब तक आपसे नाराज थे। आज खरीदारी करते वक्त अधिक खर्च पर अपना ध्यान दें। आज आप यात्रा की कोई योजना बना सकते हैं। आपका स्वास्थ्य आज उत्तम रहेगा। ऑफिस, व्यापार और परिवार में आने वाला समय थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है। वाहन चलाते हुए किसी दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसलिए सावधानी बनाए रखिएगा। सोचे हुए कामों को पूरा होने में अभी कुछ समय और लग सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। व्यापार और कार्य क्षेत्र में आपको तगड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आपको अपनी बुद्धि, मेहनत और वाणी के दम पर हर कार्य के लिए पूरी मेहनत करनी होगी, तभी आपके काम धंधे और व्यापार में प्रगति संभव है। आज आप अपना अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा समय अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। दूसरों की समस्याओं को सुनते हुए आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। अपने जरूरी और अधूरे कार्यों को निपटाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आज आप कुछ नए संबंधों की शुरुआत भी कर सकते हैं। दैनिक कार्यों को आप आसानी से निपटा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको कौन से बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। आपको अपने जरूरी कामों को पूरा करते वक्त अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आप अपने काम धंधों में पूरी तरह सफल रहेंगे। सामूहिक रूप से किए जाने वाले कार्यों के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। अधिक मेहनत के बावजूद आपको आराम का मौका भी मिलेगा। आप दूसरों के साथ विनम्र बने रहेंगे। दूसरों का मददगार बनना भी आपके लिए लाभदायक होगा। आर्थिक मामलों से जुड़े हुए कागजातों पर आज एक नजर जरूर डालेगा। आप घर की मरम्मत या सजावट पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। अपने कामों से आप संतुष्ट नजर आएंगे।
नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उनके लिए धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किस तरह के तीन बड़े गुड न्यूज आपको इस लास्ट दिन यानी कि इस मार्च महीने के आखिरी दिन को मिलेंगे, उसके बारे में जान लेते हैं। तीन बड़े गुड न्यूज जो कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए एक खुशखबर हो सकती है। साथ ही दूसरा जो खुशखबर है, जिनके घर में नए मेहमान आने की जो सिचुएशन बनी हुई है, यानी कि आपके घर में कोई कोई जो बहन हो या फिर कोई आपकी पत्नी हो, जो भी हो घर में, अगर प्रेग्नेंट है तो वह खुशखबरी भी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही तीसरी जो खुशखबरी है, आपके घर में और एक नए मेहमान, यानी कि अगर आप कोई बाइक खरीदना चाहते हैं, टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर हो या फिर कोई कमर्शियल बाइक या फिर कमर्शियल व्हीकल जो कि खरीदना चाहते हैं, तो वह भी खुशखबरी आज के दिन आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका धनराशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में। नए व्यापार या कार्य के बारे में सोच रहे हैं तो एजेंटों की जगह अपने विश्वसनीय लोगों से सलाह लें। मनोरंजन या विलासिता आपके दिमाग में है, लेकिन अभी अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। लॉटरी, स्टॉक्स, जुआ और सट्टेबाजी, यह आपको क्षणिक खुशी देंगे, लेकिन भविष्य में आपको पछताना पड़ सकता है। अपनी बैठकों और अटके हुए काम को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह समय बेहतरीन है। अब आपको उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझने और असामान्य जोखिम लेने के बजाय फायदेमंद योजनाएं बनानी चाहिए। अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ईमानदार, जिम्मेदार और समयबद्ध होने की कोशिश करेगा। फालतू के वाद विवाद से दूर ही रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपका करियर राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। अपनी असीमित ऊर्जा के बल पर आप काम के बोझ को आसानी से वहन कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि विषम परिस्थितियों में भी आप बिना किसी परेशानी से सभी काम को आसानी से कर लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में आप आराम भी करते रहें। लव राशिफल की बात करें तो आपकी पर्सनैलिटी और डिप्लोमेट स्वभाव आपके पॉजिटिव पॉइंट्स है, जिनके कारण आप अधिक मित्र बनाएंगे। अपनी कल्पना का प्रयोग करके अपनी सभी योजनाओं को पूरा करेगा। हो सकता है कि प्रेम के लिए आपको कम समय मिले, लेकिन आपकी रोमांटिक लाइफ शानदार रहेगी। आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपके आसपास के लोग भी इस सकारात्मक बदलाव को देखेंगे। आपका आत्मविश्वास दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। किसी के साथ बहस में ना पड़े, आप अपने अंदर छिपी बेहतरीन विशेषताओं को प्रोत्साहित करेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशि भविष्य रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करेगा और हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को भी सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आज की शुरू में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।